ये दो चैप्टर पढ़वा लें, मैथ्स में ये करवा लें, तो ऐसे आप निवेदन करवा सकते हैं। तो जो हमारे पास बहुत सारे इनोवेटिव दूसरी चीज़ें हैं उनका हम अपनी तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो मैंने बात, और दूसरी बात यह है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो हमने देखा कि एनरोलमेंट नहीं हो रहा है इस साल, एनरोलमेंट 6% डाउन हुआ है, जो कि और भी ज़्यादा डाउन होगा। ये तो 2020 का आंकड़ा है, 21 में तो और डाउन होगा। यानी जो बच्चे 3 साल 4 साल के हो गए हैं, जिनके माता पिता सोच रहे होंगे कि उनको हम स्कूल में डाल दें, तो वो डिले कर रहे हैं, वो स्कूल में नहीं डाल पा रहे हैं। आंगनबाड़ी भी बंद है, स्कूल भी बंद है। तो उनको बेसिक लर्निंग आ जाए, ABCD वो सीख जाए, 1 2 3 4 सीख जाए, ये बेसिक लर्निंग आ जाए, इसके लिए आपको इनकरेज करना पड़ेगा। तो जब आप किसी भी बच्चे से ही बात कर रहे हैं या उनके पेरेंट्स से ही बात कर रहे हैं, तो बच्चे के ही को ही इनकरेज करिए कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको आप कम से कम इतना पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ABCD पढ़ाना शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 की गिनती पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ताकि जब वो स्कूल में आए तो उनका एक साल वेस्ट ना हो और कुछ चीज़ें बची रहे, मतलब वो इतना ज़्यादा उन पे वो ना हो। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो 3 फेजेस से गुजरी है। पहले हमने देखा था कि हम इनपुट ओरिएंटेड है, जैसे कि अगर स्कूल ही है तो हमने बस फंड दे दिया, तो वो इनपुट था, हम ये दे रहे हैं। फिर उसके बाद आउटपुट ओरिएंटेड हुआ कि हमें क्या चाहिए, जैसे हमने पैसे दे दिए कि स्कूल में बिल्डिंग बन जाए, बन रहा है कि नहीं वो नहीं देखते थे। उसके बाद हमने देखा कि आउटपुट ओरिएंटेड यानी कि एक बिल्डिंग बन जाना चाहिए, इतने शिक्षक रहने चाहिए, वो आउटपुट। अब जो नया दौर आया है वो आउटकम ओरिएंटेड, कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि 90% बच्चे जो है वो पास हो जाए, हमें ये देखना है कि वो कितना ज़्यादा रिटेन कर रहे हैं, कितना लर्न कर रहे हैं वो लोग। तो इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारा कोर्स ख़त्म हो जाए, सिलेबस ख़त्म हो जाए, जो हमें पढ़ाना है वही हम पढ़ा दें, नहीं, आपको इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा और चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा और चीज़ों में स्टोरीज को लेके आना पड़ेगा। कहानियाँ बहुत ही अच्छी माध्यम है, आप अगर किसी की भी कहानी बता रहे हैं, अगर आप न्यूटन का ही कुछ बता रहे हैं या फिर आप इतिहास में ही शेरशाह सूरी या भगत सिंह या गांधी जी की किसी की भी बात बता रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके आप, आजकल तो यूट्यूब में बहुत कुछ है, कुछ कहानियों को याद कर ले और उन कहानियों के माध्यम से पूरा बताएं, ताकि जो बच्चा है उसको पढ़ाई पढ़ाई ना लगे, उसको थोड़ा सा फन लगे। तो स्टोरी टेलिंग वाली जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये हमें देखना पड़ेगा कि कुछ और जगह इनिशिएटिव हुए थे, जैसे झारखंड में एक इनिशिएटिव हुआ था कि कुछ एक शिक्षक थे, उन्होंने क्या किया, साइकिल पे लाउड स्पीकर बांध के, और कुछ इलाकों में जैसे मान लीजिए मुसहर टोली है, डोम टोली है, या फिर कोई और बस्ती है जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, वहाँ पे लाउड स्पीकर बांध के वो दूर से ही लाउड स्पीकर पे पढ़ाते रहते थे, ताकि बच्चे घर में भी बैठे सुन सके। तो ऐसा भी कुछ, अगर आप इतने बड़े स्तर पे नहीं तो आप अपने आसपास अगर देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स भेज सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि फेसबुक पे अगर आप पढ़ा रहे हैं तो फेसबुक पे कौन देखेगा, वो बच्चे तो फेसबुक पे है नहीं, उनके पास तो कुछ है भी नहीं, तो ये जो रीच है वो कैसे उन तक पहुंच सके वो देखना पड़ेगा। एक और चीज़ जो आती है कि इंक्लूसिव लर्निंग जो बोलते हैं कि सबका वो विकास होना चाहिए, सारे वर्गों का विकास होना चाहिए, तो हमने लॉकडाउन में देखा है कि उन बच्चियों को जिनकी पढ़ाई छूट जाती है एक बार, उनकी शादी जल्दी कराने की कोशिश की जाती है। तो कम से कम आप अपने स्टूडेंट्स का इंश्योर करें कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनके पेरेंट्स को बार बार ध्यान दिलाते रहें, अगर आपकी नज़र में आता है तो आप रिपोर्ट भी करिए कि जल्दी शादी ना उनकी हो, ताकि उनका जो भविष्य बर्बाद ना हो। कोरोना ऑलरेडी इतना कुछ बर्बाद कर रहा है, तो आप उनके भविष्य को बर्बाद, तो ये आपकी बहुत अच्छी जिम्मेदारी हो सकती है जो कि आप कर सकते हैं इन चीज़ों में। मैं कुछ कमेंट्स देख लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि, उसके बाद फिर मैं आगे बोलना शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट देख नहीं पा रहे हैं। तो आप जस्ट मुझे 2 मिनट दें ताकि मैं कमेंट देख लूं। और तब तक मैं ये बता देता हूँ कि मैं अभी बैतूल में पोस्टेड हूँ, यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन लगा हुआ है, यहाँ पे सब जगह केसेस हाई ही हैं कोरोना में, आप देख ही रहे हैं कि अभी सिंगल म्यूटेशन हुआ था, यानी कि वायरस का रूप जो है वो एक बार बदल गया था, अब दूसरी बार भी वो बदल गया है, डबल म्यूटेशन हो गया।
तो डबल म्यूटेशन में प्रॉब्लम ही आ रही है, क्योंकि मैं तो बार बार हॉस्पिटल्स में या कहीं और पे निरीक्षण में देख ही रहा हूँ। डबल म्यूटेशन में प्रॉब्लम आ रही है कि एक का एक हमें पता भी नहीं चल रहा है, और जो पेशेंट्स हैं उनका 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले ऑक्सीजन सही था और इतने में ही ड्रॉप कर जा रहा है। बहुत लोग ये खून में थक्के बन जा रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है। तो लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि चूंकि हम ग्राउंड पे देख रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति है, कम से कम आप जितना हो सके उतना प्रिकॉशन लीजिए। अगर लॉकडाउन नहीं भी लग रहा है तो आप खुद से लॉकडाउन का पालन करिए। जहां तक जरूरी नहीं है आप घर से बाहर मत जाइए, जहां तक हो सके आप घर में रहिए। किसी कारण से मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ लोग सारे कमेंट्स क्या हैं। तो बस मैं अंतिम कोशिश करता हूँ, अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं सेशन को बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे जो बेसिक चीज़ें बतानी थी वो मैंने बता दी। बाकी आपको कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या स्टाइल्स वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ताकि ताकि हम बच्चों तक ज़्यादा पहुंच सके, तो ज़्यादा फायदा होगा। बेसिकली मैंने तो यही देखा है कि अगर आप सरल भाषा में और कहानी के रूप में, जो किताबी भाषा है उसको ना बता के, किताबों में अगर लिखा रहेगा रियासतें या फिर कुछ ऐसा बड़े बड़े शब्द, तो आप उसको ना बता के अगर सरल भाषा में बताए, जो जो कि बच्चे आज की लैंग्वेज में समझ सके। हो सकता है उन किताबों को 30 साल 40 साल पहले लिखा गया हो, उस टाइम की भाषा कुछ दूसरी है, तो आज के बच्चे उस लैंग्वेज से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको वो रटना शुरू कर देते हैं, उनको वो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये एक फायदा होगा कि आज की भाषा में आप करिए, आप उनको समझाने की जा आउटकम पे ज़्यादा करिए, इनपुट पे ज़्यादा मत करिए। बाकी कुछ अपने अनुभव शेयर करें शिक्षक पुत्र के संबंध में, तो अनुभव तो मेरा यही था कि मैं वहाँ पे चुपचाप घर पे पढ़ता रहता था। माँ स्कूल से आती थी तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती थी, मैं लिखता पढ़ता रहता, तो कभी कर देती तो मैं झुंझला भी जाता था। तो हमेशा ही अगर आप किसी भी यूपीएससी या इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो परिवार का सपोर्ट तो बहुत ही जरूरी होता ही है। और शिक्षक पुत्र होने के कारण मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चियां हैं उनका रिस्पेक्ट जो उनकी तरफ था वो बहुत ही ज़्यादा था। और इसी में जब मैं कुछ नहीं भी था, बहुत पहले भी स्कूल्स में जाते रहता था, कोशिश करता था कि बच्चों से मिलूं और उनको कुछ बता सकूं, और आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। हाँ, COVID-19 में मैंने सुरक्षित रहने के लिए संदेश दिया है, और मैं लोगों से कहता भी हूँ हमेशा मास्क पहन के ही निकले, क्योंकि स्थिति बहुत ही बुरी है, और ना ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, और ऑक्सीजन होते हुए भी शायद लोग जो लोग उस क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हैं उनको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोविड में ज़रूर घर पे ही रहिए, बाहर पर्टिकुलर डाउट हुए कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जा सकता है, मैथमेटिक्स को ऑनलाइन मोड में कैसे पढ़ाया जा सकता है, साइंस को कैसे पढ़ाया जा सकता है, इतिहास को कैसे पढ़ाया जा सकता है, कहानियाँ उसमें क्या हम बना सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पे जो छोटी छोटी टिप्स हैं वो मैं दे सकता हूँ, वो फ्यूचर में टोटली डिपेंड करेगा। बाकी आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए। अगले 6-7 महीनों में, 2-3 महीने तो हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल होने वाले हैं बिहार में। आगे 1 हफ्ते में जो केसेस बढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, 1 हफ्ते में ज़्यादा वो होगा, और ये टोटल 2-3 महीने लगेगा पिछले साल की तरह ही ये चीज़ें नॉर्मल होने में। तो स्कूल्स में कम से कम 3-4 महीने नहीं देख पा रहा हूँ कि स्कूल्स खुल पाएंगे, तो इस दौरान बच्चों पे से आप फोकस रखे रहिए, देखिए कि जो बच्चे घर में हैं उनके साथ घरेलू हिंसा ना हो पाए, उनकी शादियां भी ना हो पाए, घरेलू हिंसा से भी वो बचे रहे, और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए उनकी लर्निंग में। तो मेरा बस यही संदेश है, और बाकी आप बचे रहिए कोविड में, काफ़ी मुश्किल समय है। तो अब मैं इसके साथ ही बंद करना चाहूँगा। थैंक यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया और मैं यहाँ पे बोल पाया, शायद इससे आप लोगों को कुछ अलग पर्सपेक्टिव मिला होगा, ताकि आप कुछ चेंजेस भी लेके आ सकते हैं। तो थैंक यू।